समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अभिनेत्री काजल निषाद का प्रथम जनपद आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंची काजल निषाद को पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद सहानी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने वाली अभिनेत्री काजल निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने के लिए निषाद समाज एकजुट है और आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज जो आरक्षण की मांग करता है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद आरक्षण दिलाने का काम करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी की काजल निषाद ने कहा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और यहाँ उपस्थित सारे लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, चित्रकार, पेंटर और एक गृहिणी, सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और पत्रकार महोदय जितने भी हैं, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप लोग ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। जो बड़ी बड़ी चाटुकार मीडिया है वो ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाती, वो सरकार की वाहवाही करेंगी, बड़ा बड़ा मोटा मोटा चेक ले जाएंगे घर पे और सरकार की वाहवाही करेंगे। आप लोग ज़मीन पर उतरते हैं और ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। बात रही निषाद की, बिल्कुल मैं निषाद समाज से हूँ और गर्व है मुझे इस बात का। और निषाद समाज की हमारी देवी थी माँ दुर्गा, दुर्गा रूपेणी फुलन देवी जी, उनको जेल की यातनाओं से निकाला परम पूज्य आदरणीय पिता तुल्य मुलायम सिंह यादव जी। हमारा पूरा समाज समाजवादी पार्टी का मुलायम जी का ऋणी समझता है, हमारा पूरा समाज एकजुट है, वो अच्छी तरह से जानता है कि समाजवादी पार्टी ही हमारा पूरा कर सकती है, ये सरकार हम बनाएंगे। और आरक्षण की बात जो हमेशा ही निषाद समाज करता है, ये आरक्षण अब हम और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिलाने का काम करेंगे माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। क्योंकि एक डॉक्टर संजय निषाद जी भी है जो निषाद है, बहुत बड़ा वादा किया था उन्होंने निषाद समाज का, बहुत अच्छा प्यार, सम्मान, सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह लिया उन्होंने और वो विलय कर गए भाजपा में और वो कह रहे थे कि आरक्षण दिलाएंगे हम निषाद समाज को। कह रहा था कौन? माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी। आरक्षण देगा कौन? जो प्रदेश में सरकार, जो देश में सरकार। प्रदेश में किसकी सरकार? भाजपा की। देश में किसकी सरकार? भाजपा की। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी किसके साथ विलय किए? भाजपा के साथ। तो क्यों नहीं है आरक्षण? मैम 2012 में संजय निषाद समाजवादी पार्टी के साथ में, तो फिर क्यों नहीं मिला आरक्षण आपको? भाई जब आप धोखा देने का काम करेंगे तो कोई क्या करेगा? जब केंद्र में सरकार होगी, राज्य में सरकार होगी, तब मिलके आरक्षण लिया जाएगा। और अब यही लड़ाई हम सब लड़ने वाले हैं और आरक्षण मिलेगा। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये तय। भाई कितना पपलू छोड़ेंगे ये लोग, कितना जुमला छोड़ेंगे? इन्होंने तो 15 लाख देने का भी वादा किया था, आ गया क्या? अब तो कहेंगे 25 लाख आएगा हर खाते में, आएगा क्या? इन्होंने कहा था 50 दिन दीजिए काला धन वापस लाएंगे, आया क्या? इन्होंने कहा था 21 दिन दीजिए कोरोना की चेन तोड़ेंगे, तोड़ा क्या? जुमलेबाज की सरकार है, सबको पता चल गया है।
एक एक बच्चा बच्चा जान गया है। सोशल मीडिया पर देखिए ना, चाटुकार मीडिया छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले घर पर जाएंगे तो टीवी बाद में चालू करेंगे, मोबाइल पहले चालू करेंगे मेरे भाई। और मोबाइल में सबको पता चल रहा है कि ये सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। इसीलिए हर बच्चा बच्चा ये चाहता है कि अब हमें भाजपा की सरकार नहीं चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या भाजपा की सरकार चाहिए? नहीं चाहिए। क्या भाजपा की सरकार चाहिए? नहीं चाहिए। ये पूरे देश का नारा है, प्रदेश का नारा है कि उनको भाजपा नहीं चाहिए। त्राहिमाम त्राहिमाम और त्रस्त हो चुकी है जनता, इनको भाजपा नहीं चाहिए। चाहे चाटुकार मीडिया कितना ही गला फाड़ ले, चेक ले लेकर गला फाड़ ले, लेकिन आवाम हर राज्य का एक एक बच्चा कह रहा है कि उनको भाजपा सरकार नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बच्चा बच्चा समझ चुका है ये जुमलेबाज की सरकार है, नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो हमारा विकास करे, हमारा घर बचाए, हमारा प्रदेश बचाए, हमारा देश बचाए, ऐसी सरकार हमें चाहिए। और वो सिर्फ खुशियों की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार। इसीलिए जनता को तय करना पड़ेगा और जनता को ही निर्णय करना पड़ेगा। जनता के समक्ष है सब कुछ। जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि आपको ताली थाली और घंटी अगरबत्ती बजाने वाली मदारी सरकार चाहिए कि सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने वाले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चाहिए। जनता को ये तय करना पड़ेगा कि महिलाओं का चीर खींचने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहिए कि महिलाओं की लाज बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी के सुपुत्र अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। और जनता ये तय कर चुकी है, बाबा जी को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।